ऑरेंज सिटी वासियों को बहुत दिनों से कड़कड़ाती ठंड की प्रतीक्षा थी। दिसंबर में 2 से 4 दिन की कड़ाके की ठंड रही, बाद में मौसम में बदलाव आया और ठंड का असर कम हो गया। बुधवार से सिटी में मौसम ने ऐसी करवट ली कि हिल स्टेशन जैसा मौसम सुहाना हो गया। आज दूसरे दिन भी आसमान पर बादलों ने कब्जा जमाए रखा, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। सुबह से ही चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, ठंडी हवा चलती रही। लोग दिन में भी अलाव जलाकर हाथ सेकते रहे। यह नज़ारा समूचे शहर में देखने को मिला है। कल से जो है नागपुर के आसमान में सूर्य देवता नदारद दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि घना कोहरा जो है कल से शहर में, और उसके कारण जो है ठिठुरन जो है बढ़ चुकी है। हम फिलहाल महाराज बाग परिसर में, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, और कोहरे के कारण शहर में जो है ठंडी हवाएं चलने लगी है और उससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। लोग जो है अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए भी कई जगह हमें नजर आया। आप देख पा रहे हो कि कोहरा कई दूर तक विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। आप देख पा रहे हो कोहरे ने जो है अपना अपने चपेट में पूरे शहर को ले लिया है। मानो कश्मीर का जैसे वातावरण रहता है वैसा नागपुर का वातावरण हो गया है, और यही हाल 2 दिन रहने वाला है ऐसा बताया जा चुका है। आप देख पा रहे हो कि लोग जो है हमें अलाव में हाथ सेकते हुए भी दिखाई दे रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।